गणपति बप्पा मौर्य, मंगल मूर्ति मौर्य, आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं हूं दोस्त आपकी आरजे रंजीत कौर और लेकर हाजिर हो चुके हैं आज की खास वीडियो। तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है यस टीवी पर और यस टीवी की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको विशेष के साथ साथ एक खास बात भी कहना चाहते हैं। देखिए गणपति बप्पा जी जब आते हैं बहुत सारी खुशियां लेकर आते हैं और हर घर में जब गणपति जी लाए जाते हैं तो जब विदाई का वक्त होता है उस टाइम आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गणपति जी को एक दिन रखते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गणपति जी को 10 दिन तक रखते हैं। तो एक वो एक दिन का प्यार या फिर 10 दिन का प्यार होता है ना, वो लगाव बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। घर में ऐसे लगता है कि सच में कोई आया है, है ना। तो दुख हमें तब होता है जब हम उनके विसर्जन के लिए जाते हैं। दुख इस बात का भी होता है कि 10 दिन हमारे घर रहकर हमें अगले दिन उन्हें भेजना होता है। बट दुख उन चीजों को भी देखकर होता है जब आप देखते हैं कि उनके विसर्जन के वक्त तो बहुत ही अच्छा लगता है। गणपति बप्पा जी को लेकर आते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। आप विसर्जन से अगले दिन जरा उस जगहों पर जाइए जहां पर उनका विसर्जन किया जाता है। बात करते हैं अगर नदी की या फिर यमुना की या फिर घाट की, जहां पर गणपति जी का विसर्जन किया जाता है, उस वक्त वहाँ के जो हालात होते हैं, वहाँ की जो चीजें होती हैं, वो बहुत बुरी लगती हैं। आप सभी ने ये नोटिस किया होगा, हम बहुत बड़ी बड़ी मूर्ति लेकर आते हैं ये दिखाने के लिए कि हाँ भाई इनकी अच्छी है तो हम इनकी मूर्ति से भी ज्यादा अच्छी लेकर आएंगे। आजकल कहने का वो कि POP वाली होती है ना, बट मतलब ये है कि आप मिट्टी की मूर्त लेकर आते हैं या फिर किसी भी तरह की आप गणपति जी की फोटो लेकर आते हैं, जो वो आप मूर्ति लेकर आते हैं, तो कोशिश कीजिए कि उसका साइज छोटा सा हो, है ना। छोटे से साइज की ही अच्छी लगती है। बड़ी बड़ी मूर्तियों को जब आप नदियों में या फिर यमुना में बहाने जाते हैं, उनका विसर्जन करने जाते हैं, तो वो पूरी तरह से अंदर नहीं जा पाती हैं और अगले दिन आप देखते हैं कि गणपति जी के मतलब बहुत ही बुरी कंडीशन होती है, वो मूर्तियों की कंडीशंस बहुत बुरी होती हैं, देखकर मन दुखी होता है। तो बस बात सिर्फ यही है कि देखिए भगवान जी हैं, इनको अगर आप मन से याद करते हैं, उनको मन से अपनाते हैं या अपने सुख दुख में उनको मन से याद करते हैं, तो वो हमेशा आपके साथ होते हैं। एक दूसरे के दिखावे में आकर आप ये चीज़ों को बिल्कुल भी मत कीजिए कि उन्होंने इतनी अच्छी मूर्ति लेकर आए हैं, हम उनसे अच्छी मूर्ति लेकर आएंगे। बस एक श्रद्धा होनी चाहिए, वो श्रद्धा भगवान के नाम में सच्ची होनी चाहिए। यही है आज की वीडियो। आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और एक बार फिर से आप सभी को मेरी तरफ से गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं।